हेलो दोस्तों, अज की वीडियो में आप गल करेंगे पंजाब एंड सिंध बैंक में आई जॉब वैकेंसियां की। दोस्तों वधिया ग्रेड दी जॉब वैकेंसियां पंजाब सिंध बैंक द्वारा अनाउंस की गई हैं, तो इसकी आप पूरी डिटेल की क्वालिफिकेशन है, किनिया की सैलरी है, तो की एक्सपीरियंस मंगया गया, इसकी पूरी डिटेल बारे आप गल करेंगे। पर अगे चलो तो पहले जो सा चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सा चैनल जरूर सबसक्राइब कर लो, तो सपोर्ट की बहुत जरूरत है। तो दोस्तों हूँ आप मेन गलते दोस्तों जो जो प्रोसीजर अपने पीसी उत्ते कर रहे हो तुम सेम प्रोसीजर अपने मोबाइल पर करके इसका जो ऑफिशियल जो पीडीएफ फाइल है वह डाउनलोड कर सकते हो तो चैक कर सकते हो। तो दोस्तों सब तो पहले आप अपने ब्राउजर भी जाके मोबाइल के ब्राउजर भी चले जाओ या पीसी के ब्राउजर भी चले जाओ, आप टाइप करना है पंजाब एंड सिंध बैंक रिक्रूटमेंट ऑफिशियल साइट। ओके, इस तो बाद अपन जो इसका फर्स्ट लिंक अपन शो कर रहा होगा psvindia.com, तो आप इस क्लिक कर लवेंगे। क्लिक करने तो बाद अपना अपने को इन्हों का ऑफिशियल जो पेज होगा रिक्रूटमेंट का, हाँ जो अपने सामने आ जाएगा। जो तुम चाहो तो इतों डाउनलोड भी कर सकते हो, जे तुम पढ़ना चाहो तो सिर्फ पढ़ सकते हो। चलो दोस्तों बाकी फालतू की गल आप छड़ते हुए मेन गल तो आप डिस्कस करते हैं। दोस्तों जो नेम ऑफ पोस्ट है वह फैकल्टी की है, तो टोटल नंबर ऑफ जॉब वैकेंसी 6 हैं। इस तो इलावा आप क्वालिफिकेशन की गल करिए तो ग्रैजुएशन या बी एड वगैरह अपना होना चाहिए है, तो कंप्यूटर नॉलेज अपन होनी चाहिए है। इस तो अलावा इसकी मंथली सैलरी की गल करिए तो 20,000 पर मंथ इसकी सैलरी दसी गई इन्होंने, तो इस दे एज लिमिट की गल करिए तो 22 तो 40 साल का कोई भी कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकता है। इस तो अलावा दूजी जी पोस्ट है नेम ऑफ पोस्ट यह हैगी है ऑफिस असिस्टेंट की है, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 3 हैं। तो तुम बाकी इस भी डिटेल पढ़ सकते हो, तो क्वालिफिकेशन इस भी ग्रैजुएशन मंगी गई है या बी ए या बी कॉम कुछ भी होना, अपने प्लस कंप्यूटर नॉलेज अपने को होनी चाहिए है, तो लोकल लैंग्एज अपन आनी चाहिए है। इस तो अलावा आप इसकी सैलरी की गल कर लिए तो इसकी 12,000 रुपये की सैलरी रहेगी, 22 तो 40 साल का कोई भी कैंडीडेट इसमें अप्लाई कर सकता है। तो इस तो अलावा इसका सिलेक्शन प्रोसैस की आप गल कर लिए तो दोस्तों सब तो पहले आपको रिटर्न टैसट होगा, उस तो बाद परसनल इंटरव्यू देना पवेगा, इस तो बाद जो प्रेजेंटेशन होंगी वह दी जाएगी। दोस्तों हाउ टू अपलाई दी हम गल करते हैं कि तुम ये फॉर्म किवें अपलाई कर सकते हो, तो सब तो पहले अपन इन्हों का जो एप्लीकेशन फॉर्म है इन्हों के साइट उपरों डाउनलोड करना पवेगा। इस तरह का एप्लीकेशन फॉर्म थोड़ा डाउनलोड करना पवेगा, जे थोड़े तो डाउनलोड नहीं हो रहा तो कमेंट करो, मैं थोड़ा स्पैशल वट्सअप उपर यह फॉर्म डाउनलोड करके सेंड कर देंगा। क्योंकि दोस्तों इस तो बाद आप भरने की डिटेल देख लेने कि आप भरनी किमें है। सब तो पहले आप अपनी पासपोर्ट साइज फोटो लगवानी है, तो जिस के उपर अपना सिग्नेचर होना चाहिए, अद्धी फोटो उपर सिग्नेचर होने चाहिए तो अद्धी नहीं होने चाहिए। इस तो बाद जिस पोस्ट वास्ते आप अपलाई करने हैं उसकी डिटेल आप लिख देनी है। इस तो बाद अपना नाम लिख देना है, तो फादर नेम, तो एड्रस, बाकी परमानेंट एड्रस, बाकी कैटेगरी लिख देनी अपनी कि जाति बिलोंग करते हो। इस तो बाद आप लिख देनी है अगर थोड़े च कोई डिसेबिलिटी है, मतलब कुछ अपंग हो या हाथ पैर काम नहीं करते, वह आप डिटेल उ लिख देनी है। इस तो बाद डेट ऑफ बर्थ, तो एज का आप सर्टिफिकेट की आप कॉपी लगानी है। इस तो बाद अपना मोबाइल नंबर, तो लैन देन जो भी अपना ईमेल एड्रेस है तो आप भर के जेंडर, तो अपनी नैशनैलिटी जी है बर्थ प्लेस और नेटिव प्लेस रिलीजन मैरिटल स्टेटस शादीशुदा हो या नहीं, तो आपको भर के इन्हें दिते हुए पते उपर बाकी सर नॉर्मल जी डिटेल है आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी कोई दिक्कत आँदी है तो कमेंट करो, मैं थोड़ी हेल्प जरूर करा। इस तो बाद आप भर के अपन दिते हुए पते उपर आप सेंड कर देना है जो पता इस बीच मैनशन किया गया हो। तो दोस्तों होर जानकारी लिए साडा चैनल जरूर सबसक्राइब कर लो, तो वीडियो में लाइक जरूर कर लिया करो।